घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स से चुटकियों में कटवा सकेंगे तत्काल टिकट, जाने कैसे। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। रेलवे से यात्रा करना हम सभी के लिए काफ़ी किफ़ायती और आरामदायक होता है। यात्रा लंबी हो या छोटी, हम में से कई लोग ट्रेन को ही अपनी यात्रा का माध्यम बनाना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अचानक से कहीं निकलना पड़ जाए तो तत्काल में टिकट करवाना पड़ता है। कई बार तत्काल में टिकट कटवाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से अपने ट्रेन के टिकट घर बैठे ही बुकिंग करवा सकेंगे। मान लीजिए आपको कल कहीं जाना है तो आपका तत्काल टिकट आज ही बुक होगा। सुबह 10 बजे से एसी कोच के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है, वहीं सुबह 11 बजे से नॉन एसी टिकट के लिए बुकिंग शुरू होती है। यदि आपके पास मोबाइल या लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप स्टेशन पर टिकट काउंटर पर भी जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है तो आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले https://www.irctc.co.in पर IRCTC की इस वेबसाइट पर जाना होगा। फिर अकाउंट बन जाने के बाद आप माय प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर ऐड या मॉडिफाइड मास्टर लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर लें। इसके बाद आपको नॉर्मल, दिव्यांग या जर्नलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको पैसेंजर का नाम, उम्र, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, फूड प्रेफरेंस, सीनियर सिटीजन, आईडी कार्ड टाइप और आईडी कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद अपने मास्टर लिस्ट में यात्री को ऐड कर दें। इस लिस्ट में आप 20 पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। ऐसे में आपकी मास्टर लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब जब आप IRCTC पर टिकट बुक करने जाएंगे तो यहाँ पैसेंजर डिटेल्स डालने वाले पेज पर माई सेव्ड पैसेंजर्स लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें और अपने पैसेंजर लिस्ट में जिसका टिकट बनाना है उन्हें सेलेक्ट कर लें। ऐसा करने पर आपको पैसेंजर के अलग अलग डिटेल्स नहीं डालने होंगे, एक बार में ही सभी पैसेंजर ऐड हो जाएंगे। अलग से आपको किसी पैसेंजर की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान रखें, इस दौरान आप अपने IRCTC वॉलेट में भी पहले से ही पैसे रख लें। ऐसे में तत्काल टिकट काटने के दौरान आप जल्दी से और आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ऐसे में आपके तत्काल टिकट की बुकिंग आसानी से हो जाएगी। इस दौरान एक और सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये कि अगर इस दौरान आपके टिकट वेट लिस्ट में गई तो आपके टिकट के कन्फर्म होने की संभावना ना के बराबर होगी। हालांकि यदि आप अपने हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 100 में से 90% चांस है कि आपके टिकट बुक हो जाए। इस तरीके को अपनाकर अगर कहीं आपको अचानक जाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप तत्काल टिकट की बुकिंग घर बैठे ही चुटकियों में कर सकेंगे और किसी एजेंट को आपको मोटे पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि यदि आप स्टेशन पर जाकर तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो टिकट बुक करने की संभावना पहले से और भी बढ़ जाती है, क्योंकि रेलवे का अपना सर्वर होता है और ये आपस में जुड़ा होता है। ऐसे में स्टेशन पर से तत्काल टिकट बुक करने पर टिकट बिना किसी इंटरप्शन के डायरेक्ट बुक होते हैं। यदि आप किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो स्टेशन काउंटर पर जा सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।